This is a nice developed village. And then I will speak and then you turn. उसके जिसने तुझे बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, भूखा रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने। ये पौड़ी का नया, एक कहेंगे कि एक नया, एक पौड़ी के पास एक बहुत खूबसूरत जो इलाका डेवलप हो रहा है, ये सीकू जगह है। सामने मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। लेटर ऑन ना ये पौड़ी जनपद का सीकू गांव है। सीकू पौड़ी से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 16 से 20 किलोमीटर दूर है। और जिस तरह से एक खिरसू, आप लोग आते हैं, खिरसू एक हिल स्टेशन के रूप में डेवलप हो रहा है, एक पर्यटन गांव के रूप में डेवलप हो रहा है, इस तरह से जो सीकू का गांव है, जो इलाका है, वो भी पर्यटन गांव के रूप में डेवलप हो रहा है। और उसमें जो मुख्य भूमिका है वो डॉक्टर साहब की है। डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं। और जो एक मकान आप देख रहे हैं, ये सिक्किम हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस वी के बिस्ट, विजय कुमार बिस्ट, जो हमारे उत्तराखंड से हैं। और हमारे लिए एक गर्व का विषय है कि उनका गांव है ये, और आज वो यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे जो उत्तराखंड के ट्रेडिशनल गाने हैं, जो नृत्य हैं, उनका यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। कल से यहाँ पे रामकथा का आयोजन भी होगा सिक्किम के गाँव में। और मकसद ये है कि जो उत्तराखंड का जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर जो लोग पहाड़ों से संघर्ष करके आगे बढ़ गए हैं, वो पहाड़ की तरफ लौटें और पहाड़ को अपना अनुभव दें, जिससे कि पहाड़ी इलाकों में विकास हो। और हमारे जो भाई बहन बेरोजगारी का संकट झेल रहे हैं या रोजगार के लिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उनकी उस समस्या का समाधान हो। आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशनल पारंपरिक नृत्य है चौंफला, उसका यहाँ पे आयोजन हो रहा है। मेरे साथ इस समय डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे कि थोड़ा वो खुद ही अपना परिचय भी देंगे और ये भी बताएंगे कि क्या वो करना चाह रहे हैं पहाड़ के लिए। उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, थोड़ा सा जस्टिस साहब के बारे में भी बताइए, और बताइए कि सीकू, जिसको आप एक रोल मॉडल के तरह यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, कि भाई किस तरह से पहाड़ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम हो सकता है, यहाँ पे चहल पहल लौटाई जा सकती है, क्या किया जाए, थोड़ा सा बताइए प्लीज। मैं डायरेक्टर मेडिकल सर्विस उत्तराखंड से रिटायर हुआ था 2009 में। उसके बाद मैं गांव आया तो मेरा जो पौराणिक घर है 100 साल पुराना, उसका मैंने थोड़ा सा रेनोवेशन करा के उसको ठीक करवाया। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे मोस्टली जो गांव में पुराना हमारा कल्चर था, उसको हमने ये तय किया कि हम उसको मेंटेन करें। और अभी जो है हमारे साल भर में शिवरात्रि से ये फंक्शन शुरू होते हैं। शिवरात्रि में जो गीत वगैरह लगते हैं, क्योंकि जिसका हर घर में होता है, जहाँ उनका लड़का, बड़ा लड़का पैदा होता है, तो गीत है, उसको दोबारा से रेगुलराइज किया है। दूसरा ये है कि गांव में हमारा पलायन का काफ़ी कुछ हुआ है, जिसका मेन हमारा जो है वो लोग एजुकेशन अंग्रेजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए नई जनरेशन बाहर निकल रही है। गांव में जो स्कूल है, हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, 2009 में यहाँ पे 30 बच्चे थे, आज उसमें 7 बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल। इसी तरह से इंटर कॉलेज यहाँ पे है, उसमें साइंस भी है, साइंस मैथ्स बायोलॉजी है,
लेकिन उसमें स्टूडेंट्स की तादाद बहुत कम है। दूसरा यह है कि जहाँ तक खेती का सवाल है, नई जनरेशन बाहर निकलने की वजह से खेती में कोई कार्य नहीं हो रहा, ना बागवानी में कार्य हो रहा है। पिछले वर्षों में ये 5 साल के लिए ये गांव जलागन ने ऑप्ट किया था, जिसमें उन्होंने इसके लिए उन्होंने हॉर्टिकल्चर और बागवानी के साथ साथ ये सब्जियों के उगाने के लिए, फलों के वृक्ष लगाने के लिए उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। हमारे गांव में अभी हर घर में करीब करीब 90% लोगों को रेन वाटर का प्रोविज़न किया गया है, एक टंकी बना दी गई है और उसमें उसमें काफ़ी कुछ लोगों को सहूलियत दी। सेकेंड दूसरा ये है कि हमारे गांव में पानी की कमी नहीं है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे एक पंपिंग स्कीम गांव में, जो पानी बेकार बह रहा था उससे गांव में हर गांव में पूरे गांव में नल द्वारा पानी आ रहा है। तीसरा ये है कि यहाँ पे हम लोगों के यहाँ खेती कम होने की वजह से अभी इसको टी बोर्ड ने अडॉप्ट किया है, जिसमें कि टी बोर्ड के अभी हमारे जो बंजर खेत थे उसमें हमने प्लांटेशन किया है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे एक अभी पीडब्ल्यूडी का इंस्पेक्शन हाउस बना है, क्योंकि ये पौड़ी से केवल 16 किलोमीटर दूर है और यहाँ से हिमालय भी बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे दर्शन चौकुंबा के होते हैं, बड़ी अच्छी साइट पे वो फाइनल स्टेज में पीडब्ल्यूडी। यहाँ पे पर्यटन का भी बहुत अच्छा हो सकता है और हमारे गांव एक चारों तरफ से, एक तरफ बांज का जंगल है, दूसरी तरफ चीड़ का जंगल है, सामने हिमालय दिखाई देता है। इसमें ट्रैकिंग के अलावा और भी यहाँ पे टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सोलर पावर प्रोजेक्ट भी बना है यहाँ पर। हाँ, एक सोलर पावर प्रोजेक्ट विधानसभा से ये काफ़ी पहले पास हुआ था और अभी ये कमीशन हो गया है और इसमें 1000 किलोवाट का ये प्लांटेशन चालू और प्लांट चालू हो चुका है और जिससे कि ग्राम सभा को फायदा हुआ है और जो हमारे गांव का एक होनहार लड़का है कविंद्र सिंह बिष्ट, उसने ये प्लांट लगाया है। कल से यहाँ पे जो रामकथा का आयोजन है, जो शिव मंदिर आपने यहाँ पे बनाया है उसका शिवलिंग भी बड़ा अद्भुत है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। और कल से जो कार्यक्रम है वो उसके बारे में जानकारी देगी कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग आने चाहेंगे या बाहर से भी जो लोग आना चाहेंगे तो थोड़ा उनकी जानकारी हो। ये 2009 में रिटायर होने के बाद मेरे मन में आया कि हमारे, क्योंकि यहाँ पे पानी हमारा नेचुरल सोर्स है, उसके बगल में मेरे पास 2-4 बीघा ज़मीन थी जो दोनों तरफ से नेचुरल सोर्स था पानी का। वहाँ पे मैंने एक शिवालय बनाया है और वो ग्राम सभा को समर्पित है और उसमें जो है हर साल हम उसके वार्षिक उत्सव पे वो फंक्शन करते हैं। और कल से हमारा यहाँ पे रामायण का कथा, राम कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें व्यास श्री सुभाष जोशी जी उस कथा का प्रवचन करेंगे। उस ये कथा 21 या 20 तारीख से 28 तारीख तक चलेगी। आपके परिवार से काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने ख्याति प्राप्त की है, सबसे बड़ा तो नाम जो है वीके विश साहब का है, जो कि इस समय सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी वो जस्टिस रहे हैं। इसके अलावा जो संजय बिष्ट हैं वो इंडिया के लिए हॉकी प्लेयर रहे हैं, आप खुद एक बड़ा नाम है आपका, तो कुछ जानकारी दें कि बिष्ट परिवार जो सीकू का है, मतलब पहाड़ से लेके पूरे उत्तराखंड में, जैसे कई लोग डोभाल साहब हैं हमारे, उस तरह से एक फैमिली आपकी भी आती है कि आप लोगों ने भी अच्छा काम किया है, आगे बढ़े हैं, तो क्या मैसेज नई पीढ़ी को देना चाहते हैं कि
पहाड़ का युवा किस तरह से आगे बढ़े, उसका नाम भी देश के स्तर पर आगे बढ़े और प्रदेश का भी विकास हो, हमारा भी डेवलपमेंट हो। इसके लिए एजुकेशन मेन प्ले करता है, रोल प्ले करता है। हमारी बेसिक एजुकेशन हमारे यहीं संस्कृत पावर में हुई थी। मेरे चारों भाइयों की हमारी पहाड़ में एजुकेशन हुई, लेकिन क्योंकि हमारे फादर एजुकेशन विभाग में प्रधानाचार्य रिटायर हुए हैं, तो उसकी वजह से उनका एक डिसिप्लिन था कि बच्चों को लिए वो रेगुलर अपना पढ़ने के लिए प्रेरणा वो पढ़ाते भी थे और आगे मार्गदर्शन भी करते। उनकी ये था कि एक हम मेडिकल में जाएं, एक भाई हमारा जुडिशरी में जाए, एक एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, तो उसी तरह से भाइयों ने भी सबने अपनी तैयारियाँ की और वो उसमें सफल हुए। अब गांव में ये है कि पहाड़ में जो लोग रह गए हैं उनके अंदर ये है कि शाम के वक्त स्कूल से आने के बाद बच्चे एजुकेशन के अपना घर पे पढ़ाई नहीं करते, वो अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं, माँ बाप उन्हें पढ़ने के लिए नहीं करते और ना उनको कोई मार्गदर्शन करते, जिसकी वजह से वो आगे सफल नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा ये है कि पहाड़ में जो इतने भी स्कूल रह गए हैं उसमें टीचर्स की कमी है, साइंस बायोलॉजी मैथ्स के टीचर्स उपलब्ध नहीं है, इंग्लिश के भी टीचर्स उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से वो अच्छे नंबर नहीं आते, किसी कंपटीशन में नहीं निकल पा रहे हैं। आज तो ये स्थिति है कि कोई बच्चा फौज में भी निकल पाए, क्योंकि फौज में भी रिटर्न हो गया है, रिटर्न ऑनलाइन होने की वजह से या वो पास कंप्लीट नहीं कर पाता, जिस वजह से वो एज ए सिपाही में भर्ती नहीं हो पाए। जबकि मेरा गांव में 80% जो घर हैं उसमें कोई ना कोई मेंबर आर्मी या एयरफोर्स या फोर्सेज में रहा है। यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उन लोगों का भी इंट्रोडक्शन आपसे करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिक्किम से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, ये पूरी सिक्किम की टीम है और कल यहाँ पे जो रामकथा का आयोजन हो रहा है, तो जो सिक्किम की टीम है ये भी शिव भक्ति का अपने पारंपरिक ढंग से यहाँ पे अपना आदर शिव भक्ति का प्रस्तुत करेंगे। आइए उनसे ही बातचीत करते हैं। ये काफ़ी सीनियर हैं और आप लीड भी कर रहे हैं ग्रुप को, आपसे बातचीत करेंगे। जो आप लोग सिक्किम से आए हैं यहाँ पे कल जो रामकथा का आयोजन होना है और कलश यात्रा भी सुबह होनी है, क्या कार्यक्रम रहेगा आप लोगों का? हमारा कार्यक्रम यहाँ होगा, कलश यात्रा में जो पार्टिसिपेट हमें करना है उसमें हम जो 9 आदमी सिक्किम से आए, वेद मंत्र पाठ वो चैंट करते करते हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद जो प्रोग्राम यहाँ का होना है वो तो पहले से ही है, तो हमारा उसमें वही है वेद चैंट करते 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 जहाँ तक पहुँच के फिर वो रोटेशन हो करके फिर वो आएगा, जिस जगह से शुरू होगा वहीं आएंगे हम भी। और उसके बाद दिन का प्रोग्राम में शायद मेरा ख्याल में जब वो रिसेस मतलब ब्रेक होगा उस मतलब पुराण का जो प्रोग्राम होगा डेली उसका जो ब्रेक का टाइम में शायद हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है 1.5 घंटे का जो रुद्र पाठ वो हम 9 आदमी मिलकर करेंगे और उसके बाद हो सके समय मिले तो 1-2 भजन भी हम कर लेंगे। तो ये सिक्किम से हमारे भाई आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, पूरा जो बिष्ट परिवार है वो यहाँ पे बैठा हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे जो कथावाचक हैं वो भी मौजूद हैं। जोशी जी, जो कल का कार्यक्रम है वो किस तरह से रहेगा, किस तरह से यहाँ पे राम कथा का आयोजन होगा? ये राम कथा एक तो जन जागरूकता के लिए और राम जी की जो मर्यादाएं जीवन में हैं वो गांव वालों को देने हम विशेष करके आए हैं। इसमें बेटी बचाओ, कन्या भ्रूण हत्या, गौहत्या, वन और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष आयोजन किया जा रहा है राम कथा के रूप में। हमारे साथ यहाँ पे जो सीनियर यहाँ पे पत्रकार हैं चुयान जी, बिष्ट जी,
जो छुआल भैजी के नाम से जाने जाते हैं, उनका गांव है। ये प्लान इतना जबरदस्त हो रहा है कि जिसको भी रोकना बहुत जरूरी है। सरकार अपने ढंग से सोच रही है, लेकिन जनता का एक दायित्व होता है। जनता इस तरह से उत्साह ले रही है, प्लान के मुद्दे को कोशिश कर रही है। अब सफलता देखते हैं क्या होती है। अब भी मैं भी अभी दिल्ली से अगर गांव में आया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि गांव में दो चार महीने रह करके देखूँ कि क्या होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, क्या विषय बनता है। तो आप लोगों का सहयोग, मीडिया का सहयोग मिलना चाहिए, तभी जाके कुछ प्रमोशन बिल्कुल मिलेगा साहब। हम लोग आपके साथ हैं, और हमारे साथ अब हैं हमारे सबसे आदरणीय हैं चीफ जस्टिस साहब सिक्किम हाईकोर्ट, जो कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी जस्टिस रहे हैं। उनको पहले मैं नमन करूंगा, हमारे बड़े भाई हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त है कि इस तरह का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। दो शब्द मैं उनको, सवाल तो उनसे नहीं पूछ सकता, लेकिन जो भी आशीर्वाद के रूप में दो शब्द बोलना चाहें। आप यहाँ पे, आपका मूल गांव है, और इतनी व्यस्तता के बावजूद सिक्किम से आप यहाँ पे आए हैं, और आपकी वजह से ही सारा ये आयोजन यहाँ पे हो रहा है, और ख़ासतौर पे विकास को लेके पलायन को किस तरह से रोका जाए, यही प्रयास है। तो आप क्या मूल भावना है इसके पीछे? इसका सबसे जो मुझे फ़ायदा भी ना मुझे आता है, वो कि हम लोग आपस में बहुत करीब हो जाते हैं, खाना पीना बोलना जुलना गाना दुनियादारी सब चीज़ें भूल जाते हैं। पुरानी प्रथाओं को, रीति रिवाजों को बोलना भी नीचे आगे बढ़ानी चाहिए। धन्यवाद। तो बहुत नम्रता से दो शब्द हमारे बड़े भाई आदरणीय वीके बिस साहब चीफ जस्टिस सिक्किम हाईकोर्ट उन्होंने दिए। ये सिक्किम के हमारे भाई यहाँ पे आए हैं सिक्किम में, उनका देखिए पहाड़ की संस्कृति। इस समय मैं जैकेट बिस्ट ग्राम सीकू, जहाँ संगेला बिस्टों का
एक गढ़ है और इस समय रात्रि के 10:30 हो रहे हैं और ऐसे समय में ये जो थड़िया गीत और चौफड़ा जो हमारी एक पहाड़ी संस्कृति है, चाहे वो गढ़वाली हो चाहे कुमाऊनी हो, ये इसका उदाहरण है। और मैं आपको बता दूं, मैं आज ऐसी जगह में खड़ा हूं जहां मुझे गर्वान्वित महसूस होता है, कारण कि जिस घर के नीचे ये चीज़ सब चीज़ें हो रही हैं वो ऐसे लोगों की धरोहर है जिनके पिता कभी प्रधानाचार्य होते थे और इस धरोहर के जो पितामह थे वो अंग्रेजों के ज़माने में सूबेदार नज़र होते थे। आज उन्हीं के पुत्र ये देखिए सामने ताली बजा रहे, ये चीफ जस्टिस हैं आपके सिक्किम हाईकोर्ट के, ताली बजा रहे हैं और इनको आनंद आ रहा है। इसको कहते हैं अपनी धरती से प्यार। जो व्यक्ति अपने धरती से प्यार करता हो, अपनी संस्कृति से प्यार करता हो, वो चाहे वो किसी भी बड़े पद पे पहुंच जाए, वहाँ भी वो इस तरह से अपना व्यवहार को जो है कायम रखेंगे, अपनी संस्कृति को कायम रखेंगे। और मैं आज इस गांव में आके अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। जहाँ एक और पलायन हो रहा है वहाँ पर आज इस गांव में इन दो व्यक्तियों की वजह से, एक वीके बिस्ट जी जो जज हैं हाईकोर्ट के, चीफ हैं सिक्किम के, और इनके बड़े भाई हैं डॉक्टर जो देहरादून में हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, ये बैचलर हैं और भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े उपासक हैं, और इन्होंने यहाँ पर एक शिवालय भी बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया शानदार, और उसको उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है बहुत अच्छे तरीके से की हुई है। और मैं यहाँ पे आके इन दो विभूतियों को, पहाड़ी होने के नाते एक गढ़वाली होने के नाते, इनको नमन करता हूँ। यहाँ पे रामकथा का आयोजन यहाँ पे होगा, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप जो है यहाँ पे सीखू पहुँचे कल से, और इसके अलावा जो भी यहाँ पे अगले हफ्ता 10 दिन तक जो भी कार्यक्रम होंगे हम आपको पहुँचाते रहेंगे। जागो उत्तराखंड के लिए सीखू पौड़ी गढ़वाल से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।